वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज द एनालिसिस वीडियो फॉर एटीनथ नवंबर सो निफ्टी गईस आज जिस तरीके से सेकेंड हाफ में फॉल हुआ है राइट right? उससे चांसेस ज़्यादा हैं कि कल भी हमको शॉर्ट के ही ट्रेड्स मिले ओके सो निफ्टी में आप डायरेक्टली सेल का ट्रेड ले सकते हैं एटीन थाउजेंड टू सेवेंटी फाइव के नीचे जैसे ही सस्टेन करें आप बिंदा शॉर्ट का ट्रेड लेना गईस फर्स्ट टारगेट होगा एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सेकेंड टारगेट होगा एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड डायरेक्टली राइट सो एक शार्प फॉल आ सकता है अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है एटीन टू सेवेंटी फाइव के नीचे सस्टेन करता है तो राइट right? बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है गईस Uh, कल या तो साइडवेज या फॉल ही हमको देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग बुल रन बहुत डिफिकल्ट है डायरेक्टली इस तरीके के मार्केट के बाद सीधा बुल रन देखने को मिले ऐसा डिफिकल्ट है हो सकता है साइडवेज भी रहे कल का दिन राइट right? या फिर अगर 18275 क्रॉस करता है तो शॉर्ट कटेड राइट सो गाइज अगर कल मार्केट साइडवेज रहता है तो मंडे को फिर हम बुल रन देखेंगे एक शार्प अप ट्रेंड में मार्केट मूव करेगा अपसाइड और अगर कल ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर 18,000 या 18,100 के बाद अगेन ये बुल रन कंटिन्यू करेगा ओके सो निफ्टी में कल ब्यूटीफुल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी अगर 18275 के नीचे सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है कई बैंक निफ्टी आप डायरेक्टली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अगर 42,400 के नीचे सस्टेन करे तो 42,280 120 पॉइंट्स का ही टारगेट है राइट फोर्टी टू टू एटी तक शॉर्ट का ट्रेड डायरेक्टली ले सकते हैं राइट right? या फिर अगर सपोज कि थोड़ा सा ज़्यादा ही या थोड़ा सा गैप डाउन गैप अप ओपन हो कल अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और फिर इस तरीके से ऊपर है तो आप फोर्टी टू थाउजेंड फाइव एटी से बिंदा शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं डायरेक्टली फोर्टी टू फाइव एटी सेल कर लेना फोर्टी टू सिक्स फोर्टी के ऊपर स्टॉप लॉस होगा राइट right? टारगेट आप टू टू वन ले सकते हैं ओके okay? सो so, कल सबसे बेस्ट होगा बैंक निफ्टी में अगर फोर्टी टू फाइव से सेल करते हैं फोर्टी टू सिक्स फोर्टी के ऊपर स्टॉप लॉस नेक्स्ट इज जीएसपीएल गाइस जीएसपीएल एल गईस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है राइट एंड इट कैन कंटिन्यू फॉल टिल टू थर्टी फोर सो जीएसपीएल में आप शॉर्ट का ट्रेड्स ही देख सकते हैं कल राइट right? बेटर होगा अगर टू फोर्टी वन पॉइंट थ्री पे आए और आप डायरेक्टली टू फोर्टी वन पॉइंट थ्री पे सेल कर सकते हैं टू फोर्टी फोर के ऊपर स्टॉप लॉस होगा टारगेट टू थर्टी फोर राइट सो जी एस पी एल में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं कल नेक्स्ट इज़ मैकडावल मैकडावल में गई अगेन ये सेवेंटी फाइव मिनट्स इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन से प्राइस रिएक्ट करके अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन देती है तो फिर हम डायरेक्टली सेल कर देंगे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर एट सेवेंटी फोर फर्स्ट टारगेट होगा एंड एट सेवेंटी टू सेकेंड टारगेट ओके सो मैकडावल में भी शॉर्ट कट पॉसिबल बट ये ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन के आप रूल्स चेक करोगे अगेन रूल्स वाला वीडियो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नेक्स्ट इज एम फेसिस एम फेसिस में भी शॉर्ट कंटिन्यू होगा फॉल कंटिन्यू होगा टिल वन नाइन फोर जीरो एटलीस्ट राइट सो एम फेसिस में हम शॉर्ट देख सकते हैं ऑल द वे टिल वन नाइन फोर जीरो मिनिमम ओके एंड लास्ट स्टॉक इज सन टीवी सन टीवी में गई इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन पे प्राइस होल्ड कर रही है राइट right? अगर सन टीवी ने कल ब्रेकआउट दे दिया ये ट्रेंड लाइन का तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे बट ये ब्रेकआउट आपको चेक करना पड़ेगा कि रूल्स के हिसाब से हुआ कि नहीं सो सेवन रूल्स ऑफ अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वीडियो का डू वॉच डैट बिफोर टेकिंग एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड ओके सो so, ये वाला ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हुआ विथ सेवन रूल्स तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे ऑल द वे टिल फोर नाइन्टी सिक्स तक का टारगेट राइट फर्स्ट टारगेट आप रखेंगे फोर एटी एट सेकेंड टारगेट होगा फोर नाइन्टी सिक्स सो दीज आर द ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो गईस आई होप यू आर इंजॉइंग एनालिसिस वीडियोज़ बाय गाइज टेक केयर विल मीट डायरेक्टली ऑन संडे विद द एनालिसिस वीडियो